गाइस धोनी भाई के पास आए थे बाजार में। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था आज, क्योंकि 3-4 दिन से तो कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। और मैं नहाने के लिए भी मैं ठंडे पानी से आज रिसेंटली नहा गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी नमाज के लिए। फिर मैं जल्दी जल्दी में ठंडे पानी से ही नहा गया और इतना ज़्यादा ठंडा लगा कि उसके बाद मैंने सोचा यार कहाँ धूप ढूंढ रहा था मैं, कहाँ मिले। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर है और यहाँ धूप बहुत अच्छे तरीके से, देखो आज रात फिर मौसम बनने को तैयार है रात के लिए। और मौसम आज थोड़ी सी गर्मी हुई थी मौसम में, तो मैं धूप देखने आ गया कि यार धूप जहाँ मिले वहाँ हम चल रहे हैं। सो धूप कितना आए थे यहाँ पे, और चाय भी पी ली, देन अपनी बाइक भी लेकर आए थे यहाँ पे वॉश करवाने के लिए। वो खड़ी है वहाँ पे और वो वॉश हो रही है, देन उसके बाद फिर चलेंगे मार्केट शॉप पर जाएंगे। और यारिस भाई हमारे साथ आए हैं। हेलो गाइस, तो ये धोनी भाई का हमारे छोटा सा गाड़ी वॉशर, यहाँ आके हम गाड़ी धोते हैं अपनी। कोई भी हमारे पास गाड़ी हो, मेरी हो, हमारे भाई लोगों की हो, दोस्तों वगैरह जितने हैं सारे सब यहीं आते हैं धोने, क्योंकि पीछे हमारी बहुत अच्छी पुरानी जान पहचान है और पहले से ही हम इनके पास आते। पहले अभी तो रिसेंट इनकी यहाँ बनी है, से पहले इनकी उधर साइड थी, तो पहले हम वहीं जाते थे। अब यहाँ आए हैं, ये जहाँ शिफ्ट हुए हैं वहीं आए हैं इनके पीछे पीछे, है ना। और बुलेट अभी हमें धुल रही है, लगी है धुलने के लिए। ये धोनी भाई का हमारा, ये पूरा उन्हीं का है, वहाँ तक का ये बन रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, बन ही रहा है। और यहीं पे ये रहते हैं, ये इनका रूम है यहाँ पे, और नीचे इनका यहाँ पे टायर वायर बनाने का जो भी कुछ होता है, और उनका उधर से आप आके यहाँ पे चाय वगैरह कुछ भी कुछ खा भी सकते हैं, मतलब वो सामान मिल जाएगा इसके नीचे वो शॉप में, मैं आपको दिखाऊँगा अभी। और यहाँ पर गाड़ी धोते हैं, जैसे डक कहते हैं, गाड़ी चला चढ़ाते हैं ऊपर, और यहाँ पे आके गाड़ी धुलती हैं। और हमारी बाइक तो आपको बताया मैंने, पीछे धुल रही है। और बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर आज, आज बहुत दिनों बाद मौसम खुला है, और खुलने के साथ साथ बंद होने की भी पूरी तैयारी है मौसम की। निकाल तो गाइस जी, धोनी भाई हमारे बहुत वो ये गाइस ब्लड वॉश कर ली है, अब ऑफिस पर जाते हैं। अभी सुखाने रखी हुई सारी गीली हो रही है, देख सकते हैं आप, वॉश हो चुकी है। अब इसके बाद ये सूख जाए, इसे साफ होकर इस पर कपड़ा धलता है, जो भी वो कपड़ा होता है जो पानी सोख लेता है ना। तो गाइस खाली बाइक खड़ी कर ली है, वॉश करके आ गए हैं, और अब आए हमें शॉप पर। मैंने कहा था ना मैं कंप्लीट करके फिर शॉप जाना है, आ गए हैं शॉप पर। खाना हमने खा लिया है और बाइक भी धो ली है और घूम भी आए हैं। धूप ठंडा लग रहा था, धूप में चले गए थे क्योंकि यहाँ पे आते नहीं इधर साइड पे, तो वहाँ चले गए थे और बैठ के थोड़ी देर ऐसे घूम के और फिर आ गए। मैंने मिले थे पुलिस वाले खुपड़ी माँ से, उससे बच गए हम, विदाउट हेलमेट गए थे। वैसे नहीं जाना चाहिए, गलत बात है, बट नो वॉट, हमें थोड़ा यहीं पर जाना था, तो इसलिए हम इस वजह से हम विदाउट हेलमेट ही चले गए थे। तो बस आ गए हैं अभी अच्छे से। और सो गाइज मैं कह रहा था ना आपको, जब मैं आपको दिखा रहा था कि शाम को मौसम एकदम सुहाना सा होने वाला है और बहुत ज़्यादा बादल गिर रहे थे, बारिश का मौसम होने वाला था, तो दिन में तो बड़ी मुश्किल से धूप निकली थी 3-4 दिन में, और आज फिर आप देख सकते हैं कैसा मौसम हो चुका है, एकदम काला सा मौसम हो चुका है। सो अभी मैं शॉप पर था जस्ट, मतलब अभी जो जस्ट तो नहीं, मैं उस टाइम आ चुका था, और उसके बाद मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं शॉप पर बैठा रहूँगा, तब से मैं ड्यूटी दे ही रहा हूँ या ऑन ड्यूटी हूँ। एंड बस गाइज मेरे इस व्लॉग को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।